जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के 323 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा के लिए चयनित किया गया है। विद्यालयों में इंग्लिश टीचर के लिए बीएसए कार्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया। 18 जुलाई को 3 दिवसीय शुरू हुए साक्षात्कार के आखिरी दिन लगभग 8 शिक्षकों का चयन इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में टीचर के लिए किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में शिक्षकों का चयन किया गया है। उन शिक्षकों को उन्हीं के स्कूल में रखा गया है जिनका स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया है। शेष शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, शासन 15 के पहले I joined the basic education department in 2015 as an assistant teacher in UPS Madhya. तो नहीं देते परीक्षा अपने प्रतिभा को दबाए रखते323 विद्यालय हमारे पिछले साल 100 थे, इस बार 223 हुए हैं, जिसके सापेक्ष हमारे सारे विद्यालय इंग्लिश मीडियम के चल भी तो रहे हैं, लेकिन शासन के निर्देश क्रम में पिछले बार चयन हुआ था और इस बार 17 तारीख को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 985 लोगों ने आवेदन किया और 823 लोगों ने परीक्षा दी, जिनका मूल्यांकन ये परीक्षा कार्यक्रम डाइट प्राचार्य जी की देखरेख में हो रहा है और इंटरव्यू गठित की गई है टीम। ये लोग 3 दिनों से लगातार 18, 19 और 20 इंटरव्यू चल रहा है। 18 को 5 लोग नहीं आए थे, 19 को 10 लोग नहीं आए थे। आज जब परीक्षा ये इंटरव्यू समाप्त होगा तो हम मान चलेंगे लगभग 5-6 लोग नहीं आएंगे। तो इस तरह से लगभग 800 हमारे अध्यापक अपना साक्षात्कार दे रहे हैं और इनकी नियुक्ति भी यथाशीघ्र 2 से 3 अगले हफ्ते में कर दी जाएगी। सरकार की प्राथमिकता का ये कार्य है और सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो अध्यापक जहाँ है अगर वो इंग्लिश की परीक्षा दे रहा है, योग्यता पूरी कर रहा है, तो उसको वहाँ रखा जाए, उसका दिए गए निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाएगा पूरी पारदर्शिता के साथ।
बिल्कुल जो नियम है उसे इधर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो शिक्षक वही स्कूल के हैं इंग्लिश पे जब हो गया तो उन शिक्षकों की वरीयता वहीं दी जाएगी पहले, उनको वहाँ नियुक्ति दी ही जाएगी। शासन का स्पष्ट निर्देश है, अगर वो परीक्षा दे रहे हैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें तो उनको वहीं पदस्थापित कर दिया जाएगा। बचे हुए पदों का हम फिर काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग से।